नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तम भवन प्राप्ति के योग के बारे में। बहुत ही संक्षिप्त योग है, आप तक सरल रूप में पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वह भी उदाहरण कुंडली के माध्यम से। देखिएगा, हम चर्चा कर रहे हैं उत्तम भवन प्राप्ति योग के बारे में कि व्यक्ति को जीवन में उत्तम भवन की प्राप्ति दिलवाने वाला योग योग है। पहले हम उस योग को समझ लेते हैं। देखिएगा, चौथे भाव के अधिपति को केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रहों से युक्त होना चाहिए। यहां पर चौथे भाव के अधिपति के बारे में कहा गया है कि चौथे भाव का जो स्वामी है उसको कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह से युक्त होना चाहिए। अब आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यह हमने एक कुंडली का प्रारूप लिया है और यहां पर भाव संख्या आपको दिखाई है और पहले है चौथे भाव के अधिपति को देखते हैं। देखिएगा, कुंडली में 1, 2, 3, 4 यह होता है चौथा भाव और चौथे भाव में जो राशि हो उस राशि के अधिपति या उस राशि के स्वामी को चौथे भाव का स्वामी कहा जाएगा। जो राशि चौथे भाव में हो उस राशि के स्वामी ग्रह को चौथे भाव का स्वामी कहा जाएगा। सबसे पहले हमने यह समझा, उसके बाद में कहा गया है नियम में कि चौथे भाव के अधिपति को केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह से युक्त होना चाहिए। तो हमें कुंडली में देखना होगा कि केंद्र तथा त्रिकोण भाव कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, केंद्र भाव के अंदर पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव तथा दसवां भाव आते हैं। केंद्र के अंदर 1, 4, 7, 10 यह चार भाव केंद्र भाव के अंदर आते हैं। उसके बाद त्रिकोण, देखिए कुंडली में त्रिकोण भाव कौन कौन से होते हैं। पहला भाव, पांचवा भाव और नवम भाव 1, 5, 9 यहां पर पहला, पांचवा तथा नौवां यह त्रिकोण भाव में आते हैं। अर्थात जो हमारा पहला भाव है जिसको लग्न बोलते हैं वह केंद्र तथा त्रिकोण दोनों में शामिल किया जाता है। अब हमारा नियम बनता है कि चौथे भाव का जो अधिपति है अर्थात चौथे भाव में जो राशि है उसका स्वामी, क्योंकि यह अलग अलग लग्न के हिसाब से चौथे भाव में जो राशि होगी उसका अधिपति हमें देखना होगा, जैसा कि आगे आपको उदाहरण कुंडलियों में बताया जाएगा। चौथे भाव का जो स्वामी होगा वह कुंडली में अगर 1, 4, 7, 10 केंद्र में बैठा हो या फिर 1, 5, 9 त्रिकोण भाव में बैठा हो और वह भी शुभ ग्रह से युक्त या फिर प्रबल अवस्था में बैठा हो, बली अवस्था में बैठा हो, तो इसका मतलब यह होगा कि जो चौथे भाव का स्वामी 1, 4, 7, 10 या फिर 1, 5, 9 इन भावों में किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए या फिर शुभ ग्रह की अगर उस पर दृष्टि होगी तब भी चतुर्थेश यहां पर शुभता में आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि शुभ ग्रह में नैसर्गिक शुभ ग्रहों को लिया जाता है और नैसर्गिक शुभ ग्रह में सबसे पहले आते हैं देवगुरु बृहस्पति गुरु महाराज, उसके बाद शुक्र महाराज, उसके बाद बुध महाराज और उसके बाद पक्षबली चंद्र महाराज। अब इस नियम को हम उदाहरण कुंडली पर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पहली कुंडली देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, केवल इस योग को देखिए। हम यहां पर मात्र उत्तम भवन प्राप्ति के योग को देख रहे हैं, अन्य योग पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखिएगा,
यहां पर आप इस कुंडली में देखिए, यह वृषभ लगन की कुंडली है। पहले आते हैं चौथे भाव पर, 1 2 3 4 चौथा भाव बनता है यह है। चौथा भाव यह बनता है, तो चौथे भाव में कौन सी राशि है? सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, सूर्य महाराज। सूर्य महाराज कहां बैठे हैं? सूर्य महाराज बैठे हैं लग्न में। लग्न केंद्र तथा त्रिकोण दोनों में शामिल किए जाते हैं। और सूर्य महाराज किसके साथ बैठे हैं? नैसर्गिक शुभ ग्रह देव गुरु बृहस्पति महाराज के साथ बैठे हैं, गुरु महाराज के साथ। चतुर्थेश अर्थात चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु महाराज के साथ लग्न में बैठा है, तो इस प्रकार उत्तम भवन प्राप्ति का योग बनता है। उसके बाद अगली कुंडली देखिएगा, यह एक मकर लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में सबसे पहले आप चौथे भाव पर जाइए, क्योंकि चौथे भाव से ही भवन को देखा जाता है। भवन को चौथा भाव बताता है। चौथे भाव को देखिए, 1 2 3 4 यह चौथा भाव है। चौथे भाव में कौन सी राशि है? मेष राशि है। और मेष राशि के स्वामी कौन बनते हैं? मंगल महाराज बनते हैं। मंगल महाराज अपनी ही राशि अर्थात चौथे भाव में ही बैठे हैं, और ये मंगल महाराज हो गए। और किसके साथ बैठे हैं? शुक्र महाराज के साथ बैठे हैं। शुक्र महाराज जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो यहां पर आप देखेंगे मंगल महाराज चतुर्थेश शुभ ग्रह के साथ में चौथे भाव में ही बैठे हैं, और चौथा भाव केंद्र भाव में शामिल किया जाता है। स्वग्रही चतुर्थेश हैं यहां पर भी, और इस वृषभ लग्न की कुंडली में भी देखिए, यहां पर भी चतुर्थेश शुभ ग्रह के साथ लग्न में है। तो इन दोनों कुंडलियों में यह योग बनता है। केवल यहां पर मात्र इस योग पर चर्चा की है, बहुत ही संक्षिप्त योग है। अभी यह नहीं है कि हमने अन्य किसी भी योग को यहां पर देखा नहीं है, एक छोटा सा योग आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप भी इसी प्रकार से अपनी जन्म पत्रिका में देख सकते हैं। तो योग आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। चतुर्थ भाव का स्वामी देखना है, सबसे पहले कुंडली में चतुर्थ भाव पर जाइए, उस भाव में राशि देखिएगा, उस राशि के स्वामी को देखिए। स्वामी जब समझ में आ जाए, पता चल जाए, तो फिर उस स्वामी को अर्थात चतुर्थेश को केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह के साथ या शुभ ग्रह के प्रभाव में जब आप पाएंगे, तो इस योग का निर्माण होगा। तो आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और ज्योतिष सीखने के लिए मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।